सो हेलो, वेलकम बैक गाइज माई अंदर न्यू वीडियो। तो गाइज आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइज आ गया तुम्हारा भाई आज फिर से एक भोजपुरी डीजे स्टेटस का ट्यूटोरियल लेकर, जो कि काफ़ी ओपी लेवल का होने वाला है। तो गाइज वीडियो जैसे भी लगती है हमें कमेंट करके जरूर बताएगा, और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो क्लिक लाइक कर देगा। चलिए गाइज फटाफट से पहले प्रीव्यू देख के आइए, फिर मैं उसका फुल ट्यूटोरियल देता हूँ। बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए अब। हेलो फ्रेंड्स, तो गाइज आज के इस वीडियो में हम लोग इसी तरह का कुछ ट्रेंडिंग डीजे स्टेटस ट्यूटोरियल का एडिटिंग सीखने वाले हैं। गाइज इस तरह का स्टेटस बनाना बहुत ही आसान है, इसके लिए सिंपली आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ने वाली है जिसका नाम है लाइट मोशन। लाइट मोशन को आप मेरे टेलीग्राम चैनल या प्ले स्टोर से इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी पिन की वहाँ मिल जाएगा। और गाइज अगर आपको ये सारे फोटोज़ की HD क्वालिटी में चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, मैं वहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगा। गाइज आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में एक सॉन्ग बिट मार प्रोजेक्ट और एक से एक इफेक्टर की लिंक मिल जाएगी, आपको सिंपली इस पर टैप करना है, वो आपको डायरेक्टली लाइट मोशन में इंपोर्ट कर देगा। चलिए गाइज यहाँ से वीडियो करते हैं फटाफट से स्टार्ट। लेकिन गाइज वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, जो भी भाई अभी हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या फिर जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, तो गाइज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए गाइज फटाफट से वीडियो का ट्यूटोरियल करते हैं स्टार्ट। तो गाइज आपको अपने लाइट मोशन में ये दो प्रोजेक्ट को इंपोर्ट कर लेना है। तो गाइज इंपोर्ट करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे सॉन्ग बिटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन करना है। तो गाइज ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो गाइज इस तरह से मतलब आपको ओपन करके स्टार्टिंग वाली बिट पाना है, प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके मीडिया में चले जाना है जिस भी फाइल में आपकी फ़ोटो हो। तो गाइज फोटो पे आने के बाद देन आपको वन बाई वन फोटो को सिलेक्ट करना है। देन गाइज यहाँ पे 3 डॉट पर क्लिक करके फिर फिल कंपोजिशन एरिया पे कर देना है, ठीक है। देन गाइज आपको क्या करना है, नेक्स्ट बिट पे आना है। अब जो हमारा फोटो होगा उसका एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ से आपको इरेज कर देना है। इरेज करने के बाद गाइज क्या करना है कि फिर से आप प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। देन मीडिया में जाकर आपको सेकंड फोटो को भी इसी तरह से टच करके मतलब स्क्रीन पर आपको इस तरह से ले आना है। देन यहाँ पे 3 डॉट पर क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया पे कर देना है। गाइज ये इस तरह से आपको शुरू से लेकर लास्ट तक फोटोज़ को वन बाई वन करके ऐड करना है। चलिए गाइज फटाफट से हम फोटोज़ को ऐड करते हैं और थोड़ा सा वीडियो करते हैं स्किप। गाइज आपको लास्ट तक इसी तरह से फोटो ऐड कर देना है, देख सकते हैं गाइज मैंने शुरू से लेकर लास्ट तक फोटो को ऐड कर दिया है। देन गाइज आपको ऐड करने के बाद सिंपली हो जाना है यहाँ से बैक और अपना सेक इफेक्ट फाइल को जो ओपन करना है, ठीक है। तो हमारा गाइज सेक इफेक्ट फाइल कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। गाइज ऐसे के इफेक्ट फाइल ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट इफेक्ट पर सिंपली टैप करना है। देन इफेक्ट में जाके आपको 3 डॉट पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। गाइज यहाँ से इफेक्ट को कॉपी करने के बाद अपना सॉन्ग बिट मार्क प्रोजेक्ट को ओपन कीजिएगा। देन गाइज आपको स्क्रॉल करके नीचे की साइड आना है। तो गाइज आप यहाँ पे इफेक्ट नंबर देख सकते हो, गाइज हमारा जो इफेक्ट नंबर है यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। देन आपको क्या करना है कि फोटो को सिंपली टैप करना है, उसके इफेक्ट में जाके यहाँ पे 3 डॉट पर क्लिक करके इसे पेस्ट कर देना है, ठीक है। गाइज इसी तरह से आपको आगे की ओर स्क्रॉल करके आना है। देन गाइज यहाँ पे भी हमारा फर्स्ट नंबर का इफेक्ट होगा, आपको वहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद गाइज आपको यहाँ पे प्रोसेस जो है फर्स्ट नंबर इफेक्ट का कंप्लीट होता है। गाइज इसी तरह से आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। देन आपको यहाँ से जाना है बैक और फिर से आपको अपना सेक इफेक्ट फाइल को ओपन करना है। और गाइज हमारा जो सेकेंड इफेक्ट है उस इफेक्ट को भी इसी तरह से आपको कॉपी करके अब सॉन्ग बिट मार्क प्रोजेक्ट को ओपन करना है। देन गाइज आपको सेकंड वाला इफेक्ट जो है आपको भी उसी तरह से स्क्रॉल करके नीचे आना है। देन गाइज जहाँ से जहाँ तक हमारा सेकंड नंबर का लेयर है उसके बीच में जितने फोटोज़ आपको आते हैं उन सारे फोटोज़ पे आपको सेकंड नंबर वाला इफेक्ट में पेस्ट कर देना है, ठीक है। गाइज इस तरह से आपको मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक यहाँ पे ऐड कर देता हूँ मैं सेकंड वाले लेयर तक। तो गाइज इसी तरह से आपको आगे के भी मतलब फोटोज़ में उसके नीचे आपको देख लेना है कि कौन सा नंबर का इफेक्ट नंबर वहाँ पे लेयर है, उस नंबर का इफेक्ट को आपको वहाँ पे पेस्ट कर देना है।
वैसे इसी तरह से आपको सारे इफेक्ट को पेस्ट कर देना है। जब आप सारे इफेक्ट फोटो पे ऐड कर दोगे तो आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करके वीडियो कर देना है एक्सप्लोर, आपका वीडियो 2 से 3 मिनट बन के रेडी हो जाएगा। वैच आज की इस वीडियो में मतलब हम लोग कुछ इस तरह का स्टेटस बनाना सीखे हैं। वैच इस ये वीडियो आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताएगा, और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और वैच ऐसे एडिटिंग सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा आप लोग को ऐसे एडिटिंग लेके आता रहता हूँ।